ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 3 फरवरी 2019 रविवार का दिन है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है तथा उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र और सुबह 7:10 तक चंद्रमा धनु राशि में विद्यमान, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खाकर के यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 से लेकर 6 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला और मीन ये 7 महाभाग्यशाली राशियां रहेगी। ये 7 लकी राशियां रहने वाली है। दिन इनके लिए अच्छा व्यतीत होगा, इनकी मुश्किलें समाप्त होने वाली है, मुश्किलों से इनको बड़ी राहत मिलने का उत्तम योग बना हुआ है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सोचे हुए काम पूरे करने के लिए किसी की मदद आपको लेनी पड़ सकती है। आज आप ज्यादा ही संवेदनशील और भावुक हो सकते हैं। लगभग हर व्यक्ति से बातचीत करने और मिलने के लिए आप बहुत उत्सुक रहेंगे। आने वाले दिनों के लिए मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बन सकता है। पारिवारिक और प्रोफेशनल संबंधों में मजबूती आएगी। भाइयों और दोस्तों से भी मदद मिलेगी। निवेश से फायदा होगा। बिजनेस में यात्रा आपकी फायदेमंद साबित होगी। प्रेम प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। उलझे हुए या रुके हुए पैसे निकलवाने के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। और उपाय के रूप में यदि एक लाल फूल आप शंकर भगवान के मंदिर में माँ दुर्गा जी को या माँ पार्वती जी को चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। किस्मत का साथ आपको मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने का भी योग है। बिजनेस में धन लाभ की पूरी संभावनाएं बन रही है। काम करने का तरीका आपको फायदा करवा सकता है। कई तरह की बातें आपके सामने आ सकती है। हर बात पर आपको काफी बारीकी से विचार करने की जरूरत है। आसपास के लोग आपसे किसी न किसी मामले पर सलाह भी ले सकते हैं। दूसरों की मदद करने के मौके आपको मिल सकते हैं। थोड़ा आपको कार्यक्षेत्र में सावधान रहना होगा। अनजान लोगों पर भरोसा बिल्कुल न करें। कोई आपके भरोसे में आकर जो है आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए सावधान रहे। भावुक होने से आपको बचना होगा। उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में यदि आप हल्दी या फिर केसर चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी ने किसी की मदद से आपके पैसों के काम पूरे हो सकते हैं। अपने से जुड़े आसपास के लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा। नए काम में फायदा होने का योग है। अपने मन की बात कहने के पहले विचार जरूर करें। हो सके तो आज आप बिल्कुल ही शांत रहे और सौम्य स्वभाव से अपने काम करते चले। अपनी दिनचर्या में सुधार की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास पहले से और बढ़ सकता है। आज आप बड़ा फैसला ले सकते हैं। रुके हुए, अटके हुए या बहुत सारे पेंडिंग काम निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस में कुछ नया होने की संभावनाएं बन रही है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होगी और ऐसे ही संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन आपका सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। और उपाय के रूप में यदि आप हरे मूंग मंदिर में दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। संतान पर ध्यान दे। यात्राएं करने का योग बन रहा है। खोई हुई चीजें आपको मिल सकती है। नए संपर्क से फायदा और संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। बिजनेस में गति आएगी। अपने साथ काम करने वाले लोगों या कुछ वरिष्ठ जनों से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। कहीं पर घूमने फिरने आप जा सकते हैं। पुराने निवेश से फायदा होने का योग है। कामकाज फटाफट निपटाने की कोशिश करें, इससे आपको सफलता ही प्राप्त होगी। भाइयों और पड़ोसियों से लंबी बातचीत होने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार और ऑफिस में आपकी स्थिति को लेकर के अनिश्चितताओं का माहौल समाप्त होने से आपको राहत मिलेगी।
अपने शौक पूरे करने में आप व्यस्त रहेंगे। जहां तक हो सके व्यावहारिक रहे, अपने जिम्मेदारियों पर ध्यान दे। दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें और दूसरों की बात सुनेंगे तो गलतफहमी आपकी सुलझ जाएगी। अचानक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है और फायदा भी हो सकता है। घर परिवार के मामलों में आपको समय देना होगा। जरूरी और फायदा देने वाले कामों पर आप नजर रखें। कारोबार बढ़ने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विवाह योग्य लोगों को विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। टूट चुके संबंध को जोड़ने की कोशिश में आप सफल हो जाएंगे। बॉस या कोई अधिकारी या कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको कार्य में सहायता करेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है। किसी की मदद से पुराना कर्जा भी आप उतार सकते हैं। निवेश आपको फायदेमंद साबित होगा। अपनी सोच में पॉजिटिविटी रखें और फायदा होने का योग है। आज किया गया काम आपके लिए दूरगामी अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। धन लाभ का योग बन रहा है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में गहराई आपकी बढ़ेगी। और उपाय के रूप में यदि आप गुड़ अपने घर में गणेश जी को भोग लगाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पैसे और परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। बड़ा काम भी आपका निपट सकता है। मिले जुले अनुभव वाला दिन है। परिवार का माहौल वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ सकता है। दोस्तों के साथ संबंध सुधार होंगे। किसी से मिलने का समय भी तय हो सकता है। कामकाज से जुड़ी कोई खास योजना बन सकती है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी विशिष्ट कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। बिजनेस से जुड़े खास फैसले भी आज आप ले सकते हैं। और आपके लिए दिन अच्छा है। कारोबार के लिए यात्रा होगी। नौकरी में जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। कहीं पर सामाजिक कार्यक्रम या किसी विशेष कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने पीने की कोई वस्तु दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बहुत से काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। परिवार वालों का मूड अच्छा रहेगा। परिवार को लेकर के आप बहुत संवेदनशील रहेंगे। आपके सामने कामकाज ज्यादा रहेंगे। लगभग हर काम पर बारीकी से आपको ध्यान देना जरूरी है। पैसों के मामले सावधानी से निपटा ले। उलझे हुए मामले आज सुलझाने की कोशिश आप कर सकते हैं। थोड़ी परेशानियां भी समाप्त होने वाली है। बिजनेस और नौकरी के कुछ काम भी निपट सकते हैं और कुछ उपहार भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। कोई व्यक्ति आपसे अचानक नाराज भी हो सकता है। जिद और अहंकार आपके संबंध खराब कर सकती है, इसलिए अपने व्यवहार में शालीनता रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में यदि आप मछलियों को दाना डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश आप करते रहें, सफल हो सकते हैं और कुछ परेशानियां जो चल रही है उनसे राहत भी आपको मिलेगी। दूसरों से मन में सकारात्मकता रखेंगे तो उसका फायदा बहुत लंबे समय तक हो सकता है। पार्टनर से सहयोग और फायदा मिलने का योग बन रहा है। अपनी बुद्धि कौशल से आप दुश्मनों को हरा सकते हैं। कपड़े का बिजनेस करने वालों को जो है अच्छा फायदा हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। सोच समझ करके आपको बोलना चाहिए। मन की बात हर किसी से शेयर न करें। आज आप अपने लिए परेशानी खड़ी करने वाली कोई भी ऐसी जो है उलझन बिल्कुल न ले और कोई भी ऐसी जिम्मेदारी न ले जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही हो। कुछ लोगों का व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा। और उपाय के रूप में यदि आप घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक हल्दी डालकर के लगाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके कामकाज से कुछ लोग सहमत और संतुष्ट हो सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको जो धन लाभ होगा उसकी सूचना या संकेत आज आपको मिलेगा। किसी के साथ लंबी चर्चा होगी जो आपको पसंद आएगी। पुराने कामकाज के नतीजे आपके सपोर्ट में हो सकते हैं। सोचे हुए सभी काम पूरे होने का योग है। आज किया गया काम या निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को रोटी और गुड़ दोनों एक साथ खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कोई भी प्लानिंग जो है आप कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ कर करें क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपके लिए शांति से दिन बिताना ही बेहतर रहेगा। कोई भी काम सोच समझ कर और प्लानिंग से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
आज कुछ ऐसे काम आप शुरू कर सकते हैं जो आने वाले 2-3 दिन तक चलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने का योग है। जमीन जायदाद से फायदा होगा, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, कुछ जिम्मेदारियां आपको जबरदस्ती निभानी पड़ सकती है, कहीं यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है या फिर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। सामाजिक समारोह या राजनीतिक कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेने का अवसर भी प्राप्त होगा, वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि पीला फल आप दान कर देंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप जो सोचेंगे वह काम आपका पूरा हो जाएगा। आपका मन जो कहे उस पर ध्यान दे। किसी चीज बात या घटना से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। परेशानियां पहले से कुछ कम होने की संभावना है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है या उसकी प्लानिंग भी हो सकती है। माता से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाएं जैसे भवन, मकान, प्लाट या फिर कोई वाहन आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। संतान से संबंधों में सुधार होगा। बिजनेस के ज्यादातर मामलों में आज आपको फायदा होगा। समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में आप हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल यदि आप दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।